आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। कल दोस्तों समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होकर उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इन ये गलियारे अस्तित्व में आए थे। इसके पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बाद उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए गलियारे बनाए गए थे, जिसमें सिवनी जिला उत्तर से दक्षिण भारत के गलियारे में स्थित है। यहाँ जाम देख सकते हैं किस तरह लगा हुआ है। इस जाम में सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक एम्बुलेंस फंसी नजर आ रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट है। ये बुधवार का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। आए दिन यहाँ जाम लगते रहते हैं। इस जाम के लगने के पीछे कारण ये है कि जो समय सीमा तय की गई थी NHAI के द्वारा, जिस समय सीमा में ठेकेदार महगांव से कवासा तक के जो हिस्सा है उस हिस्से को अनेक व्याधियों बाधाओं के बाद इसके निर्माण की अनुमति मिली। इसके निर्माण की अनुमति मिलने के बाद जिस ठेकेदार को इसका काम दिया गया है, वो ठेकेदार के द्वारा बहुत ही धीमी गति से मंथर गति से यहाँ काम कराया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम पिलर्स आदि का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ एलिवेटेड हाईवे बनना है। जो हाईवे कुछ ऊपर उठ के जमीन से काफ़ी ऊपर उठ के जाएगा, इसके नीचे से वन्य जीव यहाँ से वहाँ विचरण करेंगे, आवागमन करेंगे। वन्य जीवों की प्राकृतिक बसाहट को कहीं किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विस्तृत प्लान अर्थात DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कितने समय में ये काम पूरा किया जाएगा। और अगर कोई व्याधि आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। पर सिवनी जिले में मोहगांव से खवासा महज 22 किलोमीटर का हिस्सा ही बनना है। इस हिस्से को बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 30 मई 2020 से यहां पर आवागमन रोक दिया गया था। इस आवागमन को रोकने के बाद 60 दिन के लिए रोका गया था, पर 60 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी ये रास्ता अभी तक आरंभ नहीं हो सका है, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है। देखा जाए तो सिवनी के 4 विधायक 2 सांसदों को चाहिए कि यहाँ निर्माण करा रही कार्य कर रही DBL दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी पर जुर्माना इसके लिए लगाया जाए। संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर से मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, महाराष्ट्र की संस्कार धानी नागपुर, इन दोनों शहरों को जोड़ने वाले मार्ग में कुरई घाट पर आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चीटी की चाल चल रहे हैं। कितना लंबा काफिला यहाँ पर कतारबद्ध खड़ा हुआ है। दरअसल दोनों सांसद, चारों विधायक और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य करा रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी लिमिटेड की मशकें नहीं कसी जा रही। साथ ही NHAI के द्वारा भी पूरी तरह लिबरल, जो एक लचीला रवैया ठेकेदार के साथ अपनाया जा रहा है। इसके पहले भी जो नरसिंहपुर से सिवनी तक जिस ठेकेदार के द्वारा सड़क बनाई गई, उस ठेकेदार को हर 5 साल में वहाँ डामरीकरण कराए जाने के साथ ही बहुत सारी तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। इसी तरह सिवनी से खवासा या मोहगांव तक जो सड़क बनाई गई, उस सड़क में भी तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था, पर NHAI के द्वारा यहाँ बहुत लचीला रवैया अपनाया जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि महज बाई सिवनी से मोहगांव के जो 30-32 किलोमीटर के लिए
भी उतनी राशि दी जा रही है हर 6 महीने में जितनी राशि की लखनऊ दौन से सिवनी जो 50-52 किलोमीटर का हिस्सा है उसके लिए भी उतनी राशि दी जा रही है। दोनों समान राशियां किस आधार पर प्रदाय की जा रही है ये भी एक शोध का विषय है। सांसदों को चाहिए कि इस बात को पुरजोर तरीके से लोकसभा और विधायकों को चाहिए इस बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखें ताकि ये पता लग पाए कि जनता से जो वाहनों से जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है उस टोल टैक्स को 19.5 करोड़ रुपए जो NHAI के सूत्र बताते हैं 19.5 करोड़ रुपए सद्भाव कंपनी को दिए जा रहे हैं, वह 19.5 करोड़ रुपए मीनाक्षी कंपनी को दिए जा रहे हैं। मीनाक्षी के द्वारा लगभग 50-52 किलोमीटर का हिस्सा बनाया गया जबकि सद्भाव के द्वारा 30-32 किलोमीटर का हिस्सा ही बनाया गया। 30-32 किलोमीटर के लिए हिस्से के लिए हर 6 महीने में 19.5 करोड़ की राशि और 50-52 किलोमीटर के लिए भी 19.5 करोड़ की राशि, ये गणित लोगों को समझ में नहीं आया किस तरीके से जनता के द्वारा आखिर टोल टैक्स वसूल के किया जाकर ही इनका निर्माण कराया जा रहा है। बहुत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में ये बात आ सकती है। पता नहीं CAG की नज़रें इस पर अभी तक इनायत क्यों नहीं हो पाई। ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा 6 महीने लगभग होने को आ रहे हैं, अभी भी ये मार्ग चालू नहीं हो पाया है और जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं उन स्थितियों में DBL कंपनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये मार्ग 2021 जनवरी तक चालू होने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक बार करना है और सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास YouTube का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com, इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया, इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूंकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।